A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already completed the first and very important topic of the chapter number 1 of part B, that is in financial statement of company. And in this chapter, firstly, we discussed what is the meaning of financial statement and which type of these statements are prepared as per the Companies Act 2013, like a statement of profit and loss, balance sheet, cash flow statement, and other kind of the explanatory notes. In the last video, we also discussed the format of the balance sheet, which are prepared in accordance with the Companies Act 2013, Schedule 3. And in this video, we also discuss about the different items which are covered under the specific major head and the subhead of these major heads. मतलब हम लोगों ने last video में ये discuss किया कि company की कैसी balance sheet है, company किस तरह से अपनी balance sheet बनाती है according to the provision of Companies Act, और उस balance sheet में कितने part होते हैं, दो equity and equity liabilities and assets, दो part होते हैं. Equity and liabilities में कितने major heads होते हैं, shareholder fund, non-current liability, current liabilities, और assets में कितने major head होते हैं, non-current assets और current assets. और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी discuss किया कि उन सारे major heads में कौन कौन से sub head आते हैं. जैसे for example, shareholder fund में basically तीन sub head आते हैं, share capital, reserve and surplus, and money received against share warrant. सिमिलरली उसी तरह से नॉन करेंट एसेट्स में, करेंट एसेट्स में, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज में भी डिफरेंट सब हेड्स फाउंड होते हैं, और उनके अंदर डिफरेंट आइटम्स को हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सो इन टूडेज वीडियो लेट्स वी मूव टू द सेकेंड स्टेटमेंट विच आर प्रिपेयर्ड एज पर द कंपनी लॉ, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज एन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सबसे पहले हम लोगों ने ये जाना कि कंपनी कैसे बैलेंस शीट बनाएगी. अब हम लोग ये जानेंगे कंपनी कैसे अपना पोजिशनल स्टेटमेंट बनाएगी, दैट इज इन हाउ कंपनी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द अकॉर्डेंस एंड रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सो फर्स्टली वी डिस्कस द फॉर्मेट विच आर गिवन बाय द कंपनीज एक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो द फॉर्मेट which are given by Companies Act and the format are as follows. So please see it very carefully because format में कोई भी relaxation नहीं है, वो गलत नहीं होना चाहिए. So first of all we write down the statement of profit and loss as per Company Act 2013 part 2nd, and इसका full form लिखें तो बढ़िया रहेगा, statement of profit and loss. और इसमें period भी disclose करना पड़ेगा कि आप किस period के लिए statement of profit and loss prepare कर रहे हैं, तो उसके नीचे आप ये भी लिख सकते हैं for the year ended. As you know very well, जब हम balance sheet बनाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न का हो, चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर का हो, चाहे वो पार्टनरशिप का हो, इफ वी प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसमें आपने एक चीज बड़ी नोटिस किया होगा, व्हेन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट, सो वी राइट डाउन द एज एट और एज ऑन, ओके. बट व्हेन वी प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सो उसके पीरियड को दिखाने के लिए वी यूज द वर्ड For the year ended. ऐसा क्यों होता है पता है आपको? इसके पीछे लॉजिक है कि बैलेंस शीट जब प्रिपेयर होती है वो एक डे के लिए होती है, फॉर अ डे, यानी नेक्स्ट डे द बैलेंस शीट विल बी चेंज. यहां तक तो मैं ये कहूं कि एक ट्रांजेक्शन होगा एंड द बैलेंस शीट विल बी चेंज. इसीलिए बैलेंस शीट जो होती है पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई जाती है, दैट्स व्हाई एज एट एंड एज ऑन वर्ड यूज किया जाता है. बट प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें फॉर द ईयर एंडेड इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करें पर्टिकुलर पीरियड के लिए कर, वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, फर्स्ट जनवरी टू 31 दिसंबर के लिए भी हम स्टेटमेंट ऑफ ईयर बना सकते हैं, फर्स्ट
अप्रैल टू 31 मार्च के लिए भी हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना सकते हैं। सो ये वर्ड जो है वो स्पेसिफिकली यूज होते हैं एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम लोग फॉर्मेट को देखते हैं। फॉर्मेट में बेसिकली वही दो लाइन विद द नोट नंबर। सो द फर्स्ट कॉलम इज पर्टिकुलर्स, सेकेंड इज नोट नंबर, थर्ड इज अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड फोर्थ इज अमाउंट ऑफ करेंट। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पार्ट कुछ भी नहीं होता। बैलेंस शीट में पार्ट होता था इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट्स का, बट यहाँ पे पार्ट नहीं है, यहाँ कोई वो नहीं है, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, द फर्स्ट विल बी अ, यहां से मैं डॉट लगा रहा हूं ताकि इसका कोई रिलेशन नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर सेकेंड होता है अदर इनकम, और जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को ऐड करते हैं तो इट बिकम्स द टोटल इनकम। व्हाट इज कॉल्ड टोटल इनकम, एंड टोटल इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड से। इट मींस टोटल इनकम मींस वन प्लस सेकंड। यस सर, क्लियर हो गया यहां तक। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट विल बी योर एक्सपेंसेस। आप फोर्थ में एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे, डिफरेंट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे, जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। बुक में भी आप देखेंगे तो फॉर्मेट आपको क्लियर हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एज वेल एज फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, amortization expense and other expense। देख लो कितने सारे items include हो गए। ये जो होगा आपका third होगा, fourth का total होगा। fourth का total मतलब total expense को show करेगा। इतने सारे items जब आप add करके लिखोगे, यानी expense में कितने सारे hits हैं, cost of material consumed, purchase of stock in trade, change in inventories, employee benefit expense, finance cost, डेप्रिशिएशन amortization expenses, other expenses, 11 की तरह पीएल अकाउंट नहीं बनाना है कि जो मैंने वो लिख दिया जिस ऑर्डर में लिख दिया, नहीं। कंपनीज एक्ट ने एक स्पेसिफिकली ऑर्डर दिया हुआ है एंड उस ऑर्डर में ही आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज इन द बैलेंस शीट। सो ये दिमाग में आप अपने रख लीजिए एकदम अच्छे से कि सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, फिर उसमें अदर इनकम को एड करेंगे, सो इट इज कॉल्ड द टोटल इनकम 1 + 2। And in the fourth, that is an expense में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, cost of material consumed, purchase of stock in trade, change in inventories, employee benefit expense, finance cost, depreciation and amortization expense and other expenses। तो ये सारा total आ गया आपका total expense। And after find out the total expense, after that हम क्या करेंगे, fifth point find out करेंगे। ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट विल बी अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस थर्ड माइनस फोर्थ, थर्ड माइनस फोर्थ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब वो प्रॉफिट जिसपे अभी टैक्स चार्ज नहीं है, मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस, फिर उसमें से माइनस करेंगे हम लोग टैक्स। टैक्स का पॉइंट दिया है 6, तो आ जाएगा आपका 7th पॉइंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे है, फिफ्थ में से जब आपने 6 को घटाया तो ये आ गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और यही बन गया आपका कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
as per the Companies Act 2013. So please note down it in your copy properly. उसके बाद हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे कि कौन से आइटम्स में, कौन से हेड में कौन सा आइटम्स आता है. जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या लिखते हैं, अदर इनकम में हम क्या लिखते हैं. ये सारे जो हेड्स गिवन हैं, ये 1, 2, 3 हेड्स हो गए, फोर्थ हेड हो गया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सेवन्थ हेड हो गए मेजर हेड, और उसमें सब हेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आइटम्स आएंगे क्योंकि इसमें सब हेड यहां दिया हुआ है. एक्सपेंसेस के यहाँ कई सारे सब हेड्स गिवन, ठीक है. तो आप ऐसा करिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि वी वॉन्ट अ सफिशियंट स्पेस. सो वन बाई वन वी डिस्कस अबाउट इट कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन सा आइटम्स आएगा, अदर इनकम में कौन सा आइटम्स आएगा, उसके बाद हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, लेट्स वी डिस्कस each and every items, each and every heading in this format. Okay, so the first head is revenue from operation. So according to you, ye pucha jayega sir, which type of the things are included in the revenue from operation. So please note down, the first will be a revenue from operation. Under the head revenue from operation, you know very well, we included the following thing. Yani revenue from operation matlab sales. Sales from what? Sales from the amount received from the sale of goods, sale of services, which is known as a revenue from operation. But yahan pe thoda sa aapko dimag lagana hai, bahut thoda sa ye dimag lagana hai ki revenue from operation is different from the different nature type of the company. Revenue from operation are different for the different type of the company. Revenue from operation जो है किसी कंपनी के लिए अलग होगा, किसी कंपनी के लिए अलग होगा. जैसे अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए रेवेन्यू क्या होगी, सब्सक्रिप्शन, इनकम फ्रॉम डोनेशन, ये सब उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगी. और अगर कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो सेल करेगा गुड्स को, सेल करेगा सर्विसेज को, तो उसको मिलेगा. और इसके साथ साथ अगर मान लो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए रेवेन्यू इनकम क्या होगी, इंटरेस्ट रिसीव. ओके, क्योंकि वो लोन देगा तो लोन के बदले क्या लेगा, इंटरेस्ट लेगा. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आर डिफरेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपनी. तो अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में बात करें, नॉर्मल कंपनी के बारे में बात करें, तो नॉर्मल कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब फॉर द नॉर्मल कंपनी revenue from operation include sale of products, sale of goods, sale of services, okay, and sale of scrap. ये जो sales हैं और उसमें से हम लोग minus करेंगे return, minus sales return. तो ये आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ऑर्डिनरी और नॉर्मल कंपनी. मतलब वो ना तो इसमें आती है, क्या बोलते हैं, वो ना तो इसमें आती है, इट मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आती है, और ना ही वो जो है फाइनेंस कंपनी के फॉर्म में आती है. वही दूसरा पार्ट अगर हम लोग डिस्कस करें, दूसरा दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द विच टाइप ऑफ कंपनी, फॉर द, यस वेरी गुड, फॉर द फाइनेंस कंपनी. यानी फाइनेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, ये बेसिकली एग्जाम में पूछता है. फाइनेंस कंपनी के लिए जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें डिफरेंट चीजें इंक्लूड होंगी. कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, ठीक है, प्रॉफिट हुआ और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसने ना कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया और उससे क्या हुआ, उन्हें पैसा मिला. सो इट विल बी कैटेगराइज्ड इन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय द फाइनेंस कंपनी.
अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होते हैं, चाहे वो नॉर्मल कंपनी हो, चाहे वो किस तरह की कंपनी हो, यस, चाहे वो फाइनेंस कंपनी। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट इज अदर इनकम। अब ये सवाल उठता है सर अदर इनकम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो बेसिकली हम आपको बता दें कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब मेन सोर्स ऑफ द इनकम, कंपनी को वो इनकम जो से मेन सोर्स से मिले। मेन सोर्स इज व्हाट, अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन सोर्स क्या है इनकम का, सेल करना, गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए और जो पैसा मिला विच इज नोन एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? सो आई वॉन्ट टू से दैट अदर इनकम का मतलब है एनी इनकम विच इज डेराइव फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम द नॉन सोर्स इनकम, नॉट फ्रॉम द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। यानी जो पैसा हमें मेजर सोर्स से ना मिलकर किसी ऑर्डिनरी सोर्स से मिलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बिजनेस है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, गुड्स को बेचा, पैसा मिला, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मेरी एक फाइनेंस कंपनी है, मैंने लोगों को लोन दिया, लोन के बदले मुझे मिला इंटरेस्ट, तो मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। लेकिन इसके अलावा मैंने पैसा कमाकर कहीं घर बनाया, उसको रेंट में दे दिया, मुझे डिस्काउंट मिल गया, सो सच काइंड ऑफ द इनकम विल बी नोन एज द अदर इनकम। तो नॉर्मल कंपनी के लिए अदर इनकम क्या है, नॉर्मल कंपनी के लिए अदर इनकम है बैंक पे इंटरेस्ट मिलना, बैंक से डिविडेंड मिल जाना, प्रॉफिट हो जाना, ये नॉर्मल कंपनी के लिए। जो फाइनेंस कंपनी के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्या है, अदर इनकम। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें आप थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आर अदर इनकम फॉर नॉर्मल कंपनी या नॉन फाइनेंस कंपनी। यानी कि नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक किस तरह की इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, या जिसे हम लोग बोल सकते हैं अदर इनकम है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपको रेंट मिलना है, रेंट रिसीव्ड हो, डिस्काउंट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कमीशन रिसीव हो, ठीक है, आपको रिफंड ऑफ इनकम टैक्स हो, ये सब हर टाइप ऑफ कंपनी, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो नॉन फाइनेंस हो, हर तरह की कंपनीज के लिए ये तरह की जो रिसिप्ट्स हैं वो किस कैटेगरी में आएगी, इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर द अदर इनकम। तो आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये सीधे सीधे आपसे कहना चाह रहा हूं, आई वॉन्ट टू से दैट कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैटेगराइज किया जाता है बिटवीन द नॉर्मल कंपनी एंड फाइनेंस कंपनी के बीच। अगर नॉर्मल कंपनी है जिसका काम है गुड्स बनाना, बेचना, पैसा लेना, फिर उस पैसे को कुछ पैसा प्रॉफिट के रूप में ले लेना, फिर पैसे को लगाकर बिजनेस करना, तो फॉर द नॉर्मल कंपनी सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज एंड सेल ऑफ स्क्रैप, सो अमाउंट डायरेक्ट ऑल फ्रॉम दीज एक्टिविटीज विल बी नोन एज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द नॉर्मल कंपनी और नॉन फाइनेंस कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर द फाइनेंस कंपनी द इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कैटेगराइज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम, दैट इज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द अदर इनकम, सो फॉर द नॉन फाइनेंस कंपनी, जिसे हम लोग नॉर्मल कंपनी भी कहते हैं, उसके लिए इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के सेल पे, ये सब उसके लिए अदर इनकम के कैटेगरी में आती है। और रही बात रेंट मिलना, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये सारे तरह की कंपनीज के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो फाइनेंस हो, सब टाइप ऑफ कंपनीज के लिए क्या होती है, अदर इनकम। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस कर लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जो अदर इनकम है, उसकी मीनिंग क्या है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं एक्सपेंस की तरफ, कि एक्सपेंस में कौन कौन से हेड्स हैं, अभी आपने देख लिया है फॉर्मेट में, और उस हेड में कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, और कैसे हम
एग्जामिनेशन में इस तरह के आंसर्स को सही टिक करेंगे. सो द थर्ड वन इज द टोटल इनकम. यू नो वेरी वेल थर्ड में टोटल इनकम है, तो टोटल इनकम का मतलब है फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना एज पर द गिवन सिचुएशन. फोर्थ का है एक्सपेंस, एंड एक्सपेंस में पहला है आपका, एक्सपेंस में नंबर वन है इज, एक्सपेंस में नंबर वन क्या है थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइए. यस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. इट इज द फर्स्ट हेड विच आर गवर्न्ड अंडर द एक्सपेंस. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम? यू नो वेरी वेल when we are talking about the production process, so firstly we purchase the raw material, raw material will be converted into the work in progress, and thereafter we find out the finished product. So if we are talking about the cost of material consumed, so cost of material consumed means the opening inventory of material plus purchase material and closing. So material ka matlab hota hai jiska use hum kis liye karte hain for the production of the finished goods, usse hum material kehte hain. So material consumed कैसे निकलता है, opening material plus purchase of material minus closing of material. यानी production process के लिए जो आपने material use कर रहे हैं, अगर आपने इस formula को solve कर दिया, so it will become the cost of material consumed. Material का मतलब है any material which are purchased for the production of finished goods. चलिए next चलते हैं. B point है आपका, इसमें आता है cost of material consumed के बाद purchase of stock in trade. ये generally बच्चों में काफी bad concept है कि अभी तक उनको ये नहीं पता है. अब शायद हो सकता है कि मेरी बातें आपको नहीं समझ में आई होंगी 11th में, या ये भी हो सकता है कि आपको आपने ठीक से उस चीजों को सुना नहीं होगा कि देयर इज अ सफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड इन्वेंटरीज. जब हम इन्वेंटरीज की बात करते हैं और स्टॉक की बात करते हैं, जनरली कंपनी में हम इन्वेंटरीज की बात करते हैं, ओपनिंग इन्वेंटरीज, क्लोजिंग इन्वेंटरीज. जबकि 11th में हम लोग बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो इन्वेंटरीज का मतलब हम लोग स्टॉक से ही लेते हैं. नहीं, इन्वेंटरीज का जो फील्ड है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्टॉक. स्टॉक का मतलब होता है, बेसिकली ध्यान समझिए, स्टॉक का मतलब व्हाट, कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीदा खुद यूज करने के लिए नहीं, इससे कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसको रीसेल के लिए. सपोज मैंने ये मार्कर खरीदा, मैंने दो मार्कर खरीदे खुद के यूज के लिए, तो ये मेरा ना मटेरियल होगा, ना ये मेरा स्टॉक होगा, ना ये मेरी इन्वेंटरी होगी, ये मेरी एसेट्स होगी. केस नंबर वन. केस नंबर टू देखिए, मैंने दो मार्कर खरीदा इससे एक नया यूनिक मार्कर बनाने के लिए, तो ये मेरा क्या हो गया, मटेरियल, जिससे हम नया फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरा. मैंने ये मार्कर दोनों खरीदा एज इट इज इसको फिर से बेचने के लिए. जैसा आप देखते होंगे एग्जाम्पल, आप शॉप पे जाते हैं, शॉपकीपर जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं, शॉप्स वाले, वो क्या मार्कर खरीदते होंगे फिर आपको बेचते होंगे, तो मार्कर में कुछ चेंज करते होंगे? नहीं ना, एज इट इज होलसेल पे ले आते हैं और रिटेल में आपको बेच देते हैं. तो वो क्या होती है, स्टॉक. स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स जो कि आपने परचेस किया फॉर रीसेल. मटेरियल का मतलब होता है वो रॉ थिंग्स जिसे आपने परचेस किया ताकि आप उससे कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे. और इसमें कई स्टेजेस होते हैं, ओपनिंग मतलब पहले रॉ मटेरियल, फिर WIP, फिर फिनिश गुड्स. सो अगर हम इन्वेंटरी की बात करते हैं, तो इन्वेंटरी मतलब, इन्वेंटरी मींस द ओपनिंग रॉ मटेरियल, उसमें रॉ मटेरियल भी आएगा, क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी आएगा. मतलब इन्वेंटरी का मतलब रॉ मटेरियल, WIP, द वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एज वेल एज द स्टॉक. तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आपने देखा ओपनिंग मटेरियल आ गया, परचेज ऑफ मटेरियल आ गया, क्लोजिंग का मटेरियल आ गया, मतलब हमने रॉ मटेरियल पे डिस्कस कर लिया. फिनिश प्रोडक्ट जो हमने एज इट इज खरीदा है फॉर द रीसेल, वो किसमें आ गया, तो उसका जो परचेज का पार्ट है, परचेज का पार्ट मतलब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है,
value of goods purchased for reselling गुड्स को फिर से बेचने के लिए, सामान को फिर से बेचने के लिए हमने गुड्स परचेस किया फ्रॉम द मार्केट और उसको एज इट इज बेचेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी उसे बोलेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इससे हम लोग कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूमिंग क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि रॉ मेटेरियल का मतलब है रॉ, उससे आप कुछ बनाएंगे, स्टॉक में आप कुछ चेंज नहीं करते। अब नेक्स्ट है, देखिए आ गया, अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। चेंज इन इन्वेंट्रीज, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज? चेंज इन इन्वेंट्रीज का मतलब होता है ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। और अभी हमने आपको बताया इन्वेंट्रीज का जो फील्ड है वो काफी ब्रॉड होता है, इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है, फिर क्या लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, और क्या लेते हैं, फिनिश गुड्स, और क्या लेते हैं, स्टॉक। क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी वही लेंगे। इन्वेंट्रीज में क्या होता है, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग WIP, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक, और क्लोजिंग में क्या लेंगे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक। तो उसका जो डिफरेंस होगा उसे हम चेंज इन्वेंट्रीज कह सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखिएगा जब भी हम चेंज इन्वेंट्री फाइंड आउट करेंगे तो उसमें रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग को नहीं लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसा क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। सो जब भी हम चेंज इन इन्वेंट्रीज फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्रीज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, तो उसमें क्या करेंगे, एक्सक्लूडेड ओपनिंग एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ मेटेरियल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि जो एक्सपेंस में फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज कैसे निकलेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ, दैट इज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नाम से ही क्लियर है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस, ये भी एक एक्सपेंस है। यू नो वेरी वेल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन में कई डिफरेंट टाइप्स के वर्कर्स वर्क करते हैं, ठीक है, तो उन एम्प्लॉयज को हम सैलरी देते हैं, ठीक है, वेजेस देते हैं, बोनस देते हैं, लीव इन कैशमेंट देते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, स्टाफ वेलफेयर फंड, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जानते होंगे आप लोग, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में इंक्लूड किए जाते हैं। यानी एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द स्टाफ, विच आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको वेजेस देना, सैलरी देना, अलाउंसेस देना, परक्यूजिट्स देना, उनके प्रोविडेंट फंड को मेंटेन करना, उनको लीव इन कैशमेंट देना, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पे जो खर्चा होता है, वेलफेयर में जो खर्चा होता है, इट विल बी नोन एज एन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। नेक्स्ट है फाइनेंस कॉस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंस कॉस्ट? ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है एनी कॉस्ट विच आर ऑकर्ड फॉर टेकिंग अ लोन। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है, यू नो वेरी वेल, कंपनी लोन लेती है तो उस लोन पे उसे क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। सो एक तरह से कह सकते हो बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एंड फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या आता है, एक आता है इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस एक्सपेंस ऑन बोरिंग, बोरिंग मतलब लोन, मतलब आपने बोरो किया, उस बोरो पे आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स एंड अदर टाइप ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। ये एक्सपेंस ऑन बोरिंग, जैसे हम लोग बोलते हैं बोरिंग कॉस्ट, ये इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वाइडर है। बोरिंग कॉस्ट का मतलब होता है बोरो करने पे जो खर्चा हुआ, जैसे डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, गारंटी चार्जेस,
कमिटमेंट चार्जेस, कमीशन पेड फॉर डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए अच्छे से. सो बोरिंग कॉस्ट में क्या आते हैं? ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द बोरिंग, यानी बोरो करने के कारण हमें कई तरह के लॉसेस होते हैं. डिबेंचर इशू किया, उस पर लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, उसको राइट ऑफ करते हैं. पता है ना, उसी साल राइट ऑफ करते हैं जिस साल उसे हम क्या होता है, जिस साल वो ऑफर्ड होता है. लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, कमिटमेंट चार्जेस, गारंटी चार्जेस, तो ये कुछ आइटम्स हैं विच आर इंक्लूडेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सपेंसेस. इसको नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा पार्ट छूटा हुआ है, दैट इज एन, वो पार्ट का नाम है आपका, दैट इज एन डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कॉस्ट, और भी डिफरेंट टाइप्स के हेड सभी विभाग के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.